हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हम किस प्रकार जो गाने के जो म्यूजिक्स होते हैं, इंट्रो होते हैं, इंटरल्यूड होते हैं, उसको हम किस प्रकार फाइंड करते हैं अपने कीबोर्ड पे, किस तरीके से सुन के उसको बजाते हैं, है ना। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे म्यूज़िक मतलब कैसे निकालते हैं उसके ऊपर। कई लोग कैसे होते हैं जो उसका कोरस होता है, वर्स होते हैं, वो तो निकल जाते हैं, पर जो इंट्रो इंटरल्यूड वो नहीं निकाल पाते, थोड़ा उनको परेशानियाँ आती है। तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक बुक है, पियानो जीरो से हीरो, ये आप खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है म्यूज़िक थ्योरी के लिए, है ना। ये आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। म्यूज़िक थ्योरी के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये बुक है हिंदी पे, तो आप इसे ज़रूर परचेस करिए। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके पढ़ के छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, पर इसको आप पढ़ के बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं यहाँ पे। और हमारे जो है प्री रिकॉर्डिंग कोर्सेज भी आया है, वो भी आप नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से डिटेल में सीखना है, एडवांस में सीखना है, सर्टिफिकेशन वाले कोर्स है, वो भी आप देख सकते हैं। और हमारे लाइव क्लास के लिए आप जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं, है ना। व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रही है स्क्रीन पर, वहाँ जाके आप व्हाट्सअप कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी सॉन्ग का जो इंट्रो या इंटरल्यूड जो म्यूज़िक पार्ट प्ले करने के लिए ना, आपको जो है ईयर ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ईयर ट्रेनिंग आने चाहिए, मतलब गाने को सुन के प्ले करना आना चाहिए। एटलीस्ट जो कोरस और वर्स होते हैं ना, कोरस और वर्स प्ले करना तो आना ही चाहिए, है ना, तभी आप सुन के जो है म्यूज़िक निकाल सकते हैं। अब कोरस और वर्स में क्या होता है, आप जो है उसके फ्रिक्वेंसीज को सुनते हैं ना, ऑक्टेव्स को सुनते हैं। अगर गाना हाई है तो ये हायर की तरफ हम प्ले करते हैं, लो की तरफ अगर सिंगर ने गाया है तो लोअर की तरफ प्ले करते हैं। वैसे ही सेम म्यूज़िक में भी ना सबसे ज़रूरी होता है ऑक्टेव्स को ध्यान देना, है ना। कुछ कुछ जो गाने हैं उसमें कॉर्ड्स बेस्ड म्यूज़िक होते हैं। कॉर्ड्स बेस्ड मतलब कॉर्ड्स हम कौन सा ऑक्टेव में प्ले करते हैं, फर्स्ट ऑक्टेव सेकंड ऑक्टेव में, है ना, मोस्टली, ताकि उसमें बेस वाला साउंड आए। तो हमको वो ऑक्टेव्स को फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। जैसे सपोज कोई म्यूजिक है, एक वो वाला गाना है खुदा जाने ये वाला, है ना, ये वाला गाने का जो स्टार्टिंग म्यूजिक है वो कैसे है, देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ, है ना, इस तरीके से जो म्यूज़िक है। अब हम इसमें सुनेंगे म्यूज़िक, तो हमको क्या सुनना है, वो जो फर्स्ट नोट है ये वाला ए शार्प या वी फ्लैट वाला नोट, वो कितने उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितना वो मोटा है, पतला है आवाज़, वो सुनना ज़रूरी है। क्योंकि जो इंट्रो या इंटरल्यूड वाला म्यूज़िक पार्ट है ना, वो सही जगह से बजना चाहिए, है ना। अगर ये जो है फर्स्ट ऑक्टो का ये जो ये वाला नोट है ए शार्प, है ना, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, उसके बाद उसके फ्रीक्वेंसीज को आगे सुनना है कि इसके बाद कहाँ जा रहा है, या ए शार्प के बाद जा रहा है एफ में, उसके बाद जी शार्प मिडिल ऑक्टेव का, है ना, यहाँ ये वाला जी शार्प नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ वाला, अगर ये जी शार्प बजाएंगे तो ये गलत सुनाई देगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसीज को बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है। अगर हम सेम ट्यून को यहाँ से बजा दे, ठीक है, ये ओरिजिनल कहाँ से बजा है, फर्स्ट ऑक्टो के ए शार्प, इसको हम यहाँ से बजाएंगे तो उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा ओरिजिनल, देखो, अच्छा नहीं किया ना साउंड। और आगे वाले ऑक्टो से बजाते हैं यहाँ से, देखो वो फील नहीं आ रहा है जो ओरिजिनल में था, है ना। तो ये जरूरी है। एक सॉन्ग का और एग्जांपल आपको देके बताता हूँ, ये वाला जो सॉन्ग था चाहूँ मैं, है ना, ये वाला जो साउंड है सॉन्ग है ना, उसका जो स्टार्टिंग म्यूजिक है ये वाला, इसमें भी वही आपको सेम सुनना है,
जो फर्स्ट नोट है ऐसा हुआ है। तो ये फर्स्ट नोट कितना मोटा है ना, कौन से ऑक्टेव से आ रहा है ये साउंड। अब इसको यहां से करेंगे, तो जो असली वाला फील है ना, जो रियल गाने में बजाय वो नहीं आएगा। तो ये भी फर्स्ट ऑक्टो का ए वाला नोट यूज किया है, मतलब ए का पावर कॉर्ड लगाया है, 1 3 sorry 1 5 1, ये ए, ये ई और वापस से ए, उसके बाद ई वाला नोट यूज हुआ है। तो ई वाला नोट यहाँ का कि यहाँ का कि यहाँ का, है ना, वो भी सुनना है। तो फर्स्ट ऑक्टो से स्टार्ट हो रहा है और मिडिल ऑक्टो वाला नोट यूज हो रहा है ई में, ऐसा। सेकंड में ई के बाद ना वापस ये वाला ई यूज हुआ है, फिर ए यूज हुआ है, ये वाला ए यूज नहीं हुआ है वापस में, देखो ऐसा। तो इसके फ्रिक्वेंसीज को सुनना है म्यूजिक में, है ना, तभी आप निकाल पाएंगे इस तरीके के म्यूजिक को, है ना। कुछ कुछ म्यूजिक राइट हैंड पे भी बज जाते हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। एक देखो तो ये कैसा हुआ है, स्लो में देखिए, अभी के जो सॉन्ग्स बन रहे हैं ना वो कॉर्ड बेस्ड ही म्यूज़िक रहते हैं उसमें। पुराना जो एक आध जो म्यूज़िक है, चलिए बताता हूँ मैं आपको, ये वाला ओ मेरे दिल के चैन का जो शुरू वाला म्यूज़िक है ना, वो है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो यूज हुआ है ना, ये कॉर्ड बेस्ड म्यूजिक नहीं है। कॉर्ड जरूर लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मतलब आप ना कोई आरपीजीओ उसमें यूज नहीं हुआ है, उसमें आरपीजीओ यूज हुए थे ना, बिना आरपीजीओ के वो जो साउंड सॉन्ग है जो आप पहले जो दो गाना प्ले किए वो नहीं बजेगा, ये बज जाएगा। सिंपली ए मेजर को प्रेस करो, ए माइनर, सॉरी माइनर का सॉन्ग है ये, ये प्ले कर सकते हो आप। इस तरीके के म्यूजिक अलग होते हैं, तो पहले आप म्यूजिक को पहचानिए किस तरीके का म्यूजिक है, आरपीजीओ यूज हुआ है, कॉर्ड यूज हुआ है, फिर उसके फ्रीक्वेंसीज को पहचानिए और प्ले कर सकते हैं आप, है ना। इस तरीके से म्यूजिक को निकाला जाता है। ईयर ट्रेनिंग को स्ट्रांग कीजिए सबसे पहले, तो वो स्ट्रांग होगा तो आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं।